नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ MIUI का जो थीम है उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कुछ MIUI थीम के साथ आपको रूबरू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सभी जो थीम से आपको थीम स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सभी थीम्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाएगा आप थीम स्टोर से सभी थीम्स को चेकआउट करके देख सकते हो। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, आपके सामने अप्लाई करने वाले है। तो सबसे पहले जो थीम है, इस थीम का नाम है चेंज। तो ये जो थीम है सिंपली से अप्लाई कर लेते हैं। ये जो थीम है दोस्तों MIUI 12, उसके साथ साथ दोस्तों MIUI 11 के लिए भी काम करेगा। एंड सब होम स्क्रीन में चला जा, MIUI 12.5 के ऊपर भी काम कर जाएगा। सबसे पहले जो आप आइकॉन्स देखिए, वो देखिए कुछ जैसे हम देखने को मिलेगा। बैटरी का जो आइकॉन है वो देखिए, बाकी आप आइकॉन स्पेक देख सकते हो। आप पीछे जो ब्लर है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड आइकॉन पैक कैसा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर ये जो आइकॉन है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। चलते हैं सीरीज के अंदर। ओके, सीरीज के अंदर जो सर्च बार है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर साइड में जो आइकॉन्स है वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया हो चुका है। कुछ नया तरीके जो आइकॉन्स है हम देखने को मिल गया है। अबाउट फोन के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर जो ग्रीन कलर है इसे थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है। एंड कंट्रोल सेंटर देखिए, वाओ, कंट्रोल सेंटर तो सच में काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। कंट्रोल सेंटर देख सकते हो काफ़ी सही है, ब्लू कलर का यूज़ किया गया है एंड ब्लू हमारे को बहुत ही पसंद है, तो काफ़ी बढ़िया है ब्लू व्हाइट का कॉम्बो, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है। अगर बात करूँ डायलर की तो एज फॉर नाउ नो चेंजेस, मैसिंग के अंदर नो चेंजेस, वॉल्यूम पैनल के अंदर नो चेंजेस एंड अपना लॉक स्क्रीन, वो हो लॉक स्क्रीन कुछ ऐसा है एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लुक दिया गया है। वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लुक्स जो है काफ़ी बढ़िया है, मिनिमलिस्टिक लुक यहाँ पर डाल दिया गया है, तो सही है। वैसे वैसे थी मैं इसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर एक चीज़ में नोटिस किया है, यहाँ पर देखिए डायलर यहाँ पर चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ पर हमारे केस के ऊपर जो ओके डायलर चेंज हुआ है। वैसे टाइप करने के बाद यहाँ पर जो है एक लाइन आ जाती है ग्रीन कलर की, बाकी देख सकते हो सही है भाई सब। नेक्स्ट थीम पर बढ़ते, इसका नाम है क्लासिक ओएस। अगेन ये भी दोस्तों व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही आती है, तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड बहुत सारी थीम्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड वाओ, सबसे पहले बैटरी का आइकॉन देखिए एंड यहाँ पर आप विजर्स देख सकते हो, आइकॉन स्पेक देख सकते हो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो आइकॉन बैक है थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है। अभी फिलहाल देख सकते हो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके साथ ये जो आइकॉन पैक है सही से नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप बोलो आपको कैसे लगा आइकॉन पैक, देख सकते हो। मतलब नया वाला जो मटेरियल यू डिज़ाइन है, मतलब मटेरियल जो आपको अभी अभी देखने को मिलता है मटेरियल डिज़ाइन एंड्रॉइड के अंदर वैसा नहीं है। एनीवे, अब कंट्रोल सेंटर के अंदर देख सकते हो, कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, सही है ना। क्या लगता है कंट्रोल सेंटर कैसा है, बढ़िया लग रहा है आई गेस, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। चलते सीरीज के अंदर, ओहो सेटिंग्स मेनू देख सकते हो, पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है चेंज कर दिया है सिटीज मेनू के अंदर, सही है। यहाँ पर आप आइकॉन्स भी आप देख सकते हो। माई डिवाइस की अगर बात करें, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस देने को मिल गया है। डायलर की अगर बात करें, ओके डायलर भी पूरा चेंज करके दिया गया है। एंड मैसेजिंग की अगर बात करें, ओके मैसेजिंग भी चेंज है, काफ़ी सही बात है। सो आपको मैसेजिंग के अंदर भी चेंजेस देने को मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर आपको मैंने बोल दिया, कंट्रोल सेंटर के अंदर ऑलरेडी चेंजेस है। ओके अभी फिलहाल बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन। इस थीम का लॉक स्क्रीन एकदम फाड़ू है, एकदम धासु हमें देने को मिल जाती है। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर जो है टाइम दिखाएगा, बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, यहाँ पर एक सर सबको एनिमेशन देने को मिल जाएगा एंड सही है ना भाई सब। इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है इसका सबसे बढ़िया बात है, एंड इस जो एनिमेशन हो रहा है वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बढ़ते नेक्स्ट थीम के तरफ, टोटल पांच थीम हम इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। इसका नाम है लैंडस्केप ओएस एंड पीछे का जो वॉलपेपर है काफ़ी सही होने वाला है। वाओ ग्रीन, भाई सब ग्रीन काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले जो आइकॉन्स है वो देखिए एंड यहाँ पर जो गूगल का सर्च बार है वो देखिए आप, एंड वेदर जो है वो देख सकते हो। बाकी जो आइकॉन पैक है आपको डेफिनेटली iOS वाला आइकॉन पैक हमें देखने को मिल जाती है। एंड फोल्डर के अंदर व्यू कुछ इस तरह से है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी हमें यहाँ पर ब्लर हो जाता है जैसे कि देखिए पा रहे हो। एंड थर्ड पार्टी के अंदर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर ये जो आइकॉन्स है ढंग से अप्लाई नहीं होता है। अगर बात करूँ सेटिंग्स की, सेटिंग्स के अंदर जो आइकॉन्स हमें देखने को मिलता है इसमें भी हमें यहाँ पर जो है ये चेंजेस देने को मिल जाती है। चलते हैं माई डिवाइस के अंदर, देख सकते हो ए भी चेंज हो गया है MIUI का वर्जन, बाकी यहाँ पर भी हमें चेंजेस देने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करूँ, ओके कंट्रोल सेंटर के अंदर सेटिंग्स का आइकॉन चेंज हुआ है एंड थोड़ा बहुत जो शेप है वो भी चेंज हो गया है, शेप के अंदर जो आइकॉन्स है वो भी हमें यहाँ पर चेंजेस देने को मिल गया है।
डायलर के अंदर जो डायलर पैड है वो भी चेंज हो गया है, एंड मैसिंग के अंदर मैसिंग भी थोड़ा चेंज सब देखने को मिल गया है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ, लॉक स्क्रीन कैसा है, वाओ, लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर डबल टैप करने के लिए बोल रहा है, ओके, डबल टैप करने से आपको जो क्लॉक है उसे हटा सकते हो। यहाँ पर आपको टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको टाइम ऑप्शन है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, आपके स्टेप काउंटर, वेदर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल गया है। काफ़ी बढ़िया है इस थीम का प्रैकेट के, देखो आपको काफ़ी बढ़िया लगा है। मेरे को ये जो थीम का वॉलपेपर सिलेक्शन है काफ़ी बढ़िया लगा है। चलते दोस्तों नेक्स्ट थीम के अंदर, इसका नाम है XOS Pro। सो ये जो थीम है गेन इंस्पायर्ड बाय iOS कह सकते हो ना, उसे सिंपली से अप्लाई करते उस सभी थीम से आपको थीम स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा, फ्री में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर अगेन ये जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, पीछे देख सकते हो। अब YouTube का आइकॉन एंड मी वीडियो का आइकॉन आप देख सकते हो, काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है। बाकी आप आइकॉन्स देखिए कैसा है, सही है मेरे हिसाब से। चलते सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर देख सकते हो पूरा चेंज हो गया है भाई सब, सेटिंग्स मेनू क्या बात है। तो सेटिंग्स मेनू के अंदर भी हमें यहाँ पर चेंज देने को मिल जाती है। सो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हो iOS 14 हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी देखिए बार यहाँ पर लिखा गया है। एंड कंट्रोल सेंटर की अगर बात करूँ, ओहो भाई साहब कंट्रोल सेंटर के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ आइकॉन चेंज करके बॉक्स करके दिया गया है। अब मैंने सोचा था कंट्रोल सेंटर के अंदर ह्यूज चेंजेस देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल सेंटर के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। अगर बात करूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाती है, बट लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल फेवल ये सब दिखाएगा, सॉरी बैटरी लेवल, बैटरी लेवल नहीं, सही है। एंड नेक्स्ट जो थीम इसका नाम है परफेक्ट ओएस, एंड ये जो थीम है लास्ट थीम है इस वीडियो के अंदर, टोटल पांच थीम के अंदर ये लास्ट थीम है। एंड देख सकते हो यहाँ पर जो आपका क्लॉक विजेट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो वॉलपेपर है यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। हर एक थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जीरो टू से रीसेट कर लीजिएगा, तो जो थीम है सक्सेसफुली आपके डिवाइस के हर एक कोने कोने में अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर आइकॉन्स के, आइकॉन्स पर क्या देख सकते हो, नाउ चलते सिटीज के अंदर, ओके सिटीज के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पर इन साइड में जो आइकॉन है उसमें चेंजेस किया गया है, ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। एंड माई डिवाइस की अगर बात करूँ, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है माई डिवाइस के अंदर। ओके कंट्रोल सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो कलर है उसमें चेंजेस देने को मिल गया है फाइनली। एंड यहाँ पर हमारा जो लाइट है चला गया है, बट कोई बात नहीं। सो कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पर जो आइकॉन्स है यहाँ पर हमें चेंजेस देने को मिल गया है। अगर बात करूँ यहाँ पर डायलर की, तो डायलर के अंदर जो आइकॉन है देख सकते हो, फोन डायलर का आइकॉन को बिग बड़ा करके दिया गया है। एंड मैसिंग के अंदर नो चेंजेस एट ऑल। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ, लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से ही ऐसा टॉर्च को इनेबल कर सकते हो ना, टॉर्च भी सब काम तो करते हैं, काम करता है, बट सर अब बंद नहीं होता है, दो बार प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बैटरी, आपको डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, म्यूजिक प्लेयर, ये सभी देखने को मिल जाएगा। सो बड़ा दोस्तों सभी जो थीम से काफ़ी बढ़िया है, आपको कौन सा बढ़िया लगा लेट मी नो कमेंट बॉक्स। मेरे को जो लेंस केप ओएस करके जो थीम है काफी पसंद आया है, इसे हम यूज करने वाले हैं। बाकी आपका कौन सा फेवरेट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।